फांसी से 3 दिन पूर्व भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने पंजाब के गवर्नर को पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद वो पूंजीवाद कुछ दिनों के मेहमान है। यही वह लड़ाई है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप में भाग लिया है और हम अपने पर गर्व करते हैं कि इस युद्ध को न तो हमने प्रारंभ ही किया और न ही यह हमारे जीवन के साथ समाप्त होगा। हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमें युद्धबंदी माना जाए और इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए, भले ही आज हमारे साथ न है, लेकिन उनके विचार और आदर्श सदैव जिंदा रहेंगे। हर युवा को उनके विचार जानने की जरूरत है और उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। तब जाकर एक दिन वो भारत बन पाएगा जिस भारत का सपना क्रांतिकारियों ने बलिदान देते हुए सोचा था।